योग गुरु बाबा रामदेव ने नेपाल और चीन के साथ भारत के संबंधों पर तीखा हमला करते हुए चीन को जाहिल देश बताया है। स्वामी रामदेव ने चीन को धोखेबाज, चांडाल और जाहिल देश बताते हुए कहा कि चीन हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता है, चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि नेपाल हमारा राम और कृष्ण के समय से ही स्वाभाविक और परंपरागत मित्र है। उन्होंने कहा कि चीन की साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद की नीतियां भारत और नेपाल दोनों के ही हित में नहीं है। योग गुरु ने कहा कि चीन का दूसरा नाम ही बीमारी और महामारी है, इससे जितना ही बचा जाए उतना कम है। नेपाल पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि भारत और नेपाल भले ही वतन अलग हों, राजनीतिक सीमाएं अलग अलग हों, मगर मन से, धर्म से, संस्कृति, पूर्वज और रोटी बेटी का रिश्ता है दोनों देशों के बीच में। उन्होंने कहा कि नेपाल को चीन के साथ नजदीकी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। उन्होंने कहा, चाइना हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा परंपरागत शत्रु है, वो तात्कालिक रूप से हो सकता है कुछ प्रलोभन दे सकता है, लेकिन चीन सदा से एक धोखेबाज, एक जाहिल किस्म का एक साम्राज्यवादी देश रहा है और उसकी उपनिवेशवादी नीति में भारत और नेपाल दोनों का ही अहित है। इसके साथ ही योग गुरु ने चाइनीज ऐप पर बैन लगाने का भी समर्थन करते हुए इसे केंद्र सरकार का बड़ा राजनीतिक साहस भरा फैसला बताया। बाबा ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि चीन को अगर सबक सिखाना है तो हर भारतीय को चीनी सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना होगा। सीमाओं की सुरक्षा करने में हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। वहीं इससे पहले बाबा रामदेव ने पतंजलि द्वारा तैयार की गई कोरोनिल किट पर भी सफाई दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कोरोनिल का लाइसेंस लिया और सभी कानूनों का पालन किया। रिसर्च के बारे में आयुष मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी है, इसमें औषधियों की तय मात्रा है। आयुष मंत्रालय ने हमारे काम की तारीफ की है। अब कोरोनिल को कोविड क्योर नहीं बल्कि कोविड मैनेजमेंट कहा जाएगा। कोरोनिल पर अब कोई विवाद नहीं है और कोरोनिल किट पूरे देश में 1 जुलाई से बिना किसी परेशानी के मिलने लगी है। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।